आज देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। युवा दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन स्वामी विवेकानंद को देश याद कर रहा है। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी कैसी थी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सन 1881 की बात है। कॉलेज के क्लास में बच्चा टीचर से कहता है कि अंधकार की वजह से रोशनी की कमी है। महज 18 साल की उम्र में ये शब्द स्वामी विवेकानंद ने कहे। भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने रखने वाले विवेकानंद अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, जिनके विचारों की खुशबू दुनिया में कुछ ऐसी फैली कि उनकी छवि के आगे सारा जहान सम्मोहित हो गया। आज दुनिया भर में भारत की पहचान बनाने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को देश धूमधाम से मना रहा है। स्वामी विवेकानंद को याद करने के बीच आइए एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त था। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के इज्जतदार परिवार में उनका जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद के कुल 9 भाई और बहन थे, लेकिन वो सभी में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। रामकृष्ण परमहंस की संगत में ही उन्हें शांति मिली। यही स्वामी विवेकानंद ने सीखा कि इंसान की सेवा करना इस दुनिया में सबसे अच्छा काम होता है। फिर वक्त के साथ स्वामी विवेकानंद की शोहरत दुनिया भर में पहुंची। और यही शोहरत उनको अमेरिका के शिकागो शहर लेकर गई। साल 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया। विवेकानंद के 1893 के इस भाषण को इतिहास के सबसे सफल भाषणों में गिना गया। और बेशक उनकी सोच नहीं, दुनिया भर में उनके भाषणों से स्वामी विवेकानंद ने देश के नाम को ऊंचा किया। फिर 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद ने जीवन का त्याग किया। आज सदियों बाद भी स्वामी विवेकानंद की जिंदगी एक मिसाल की तरह है। आज भी उनका जीवन किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद के रास्तों पर चलने की सीख आज भी भारत में दी जाती है। जीवन में विवेकानंद जी को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी को शिक्षा यूनिवर्सिटी में आपके गुरुजनों से मिल सकती है। शिक्षा की शक्ति का परिचय भी आने वाले दिनों में, जब आपके शिक्षा के आधार पर आप समाज के अंदर अपना करियर बनाने का प्रयास करेंगे, तब हो ही जाएगा। परंतु शिक्षा का उद्देश्य तभी आपको मालूम पड़ेगा जब आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उनके विचारों का अनुसरण करें। बेशक स्वामी विवेकानंद वो शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ शिक्षा हासिल की बल्कि उस शिक्षा का सही इस्तेमाल भी किया, और शायद आज के युवाओं को इसी रास्ते पर चलने की जरूरत भी है। जहां वो शिक्षा को हासिल ही ना करे बल्कि स्वामी विवेकानंद की तरह उसका इस्तेमाल भी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।